नमस्कार, हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। चारों तरफ पंचायती चुनाव का सरगर्मी है और हमारी टीम आ पहुंची है एक ऐसे पंचायत में, शेखपुरा पंचायत में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं यहां के वर्तमान मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि हामिद रजा खान उर्फ डब्लू खान, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और इस पंचायत में अगर विकास का बात किया जाए हर पंचायत में, तो शेखपुरा का नाम पहले नंबर पर एक अध्याय की तरह देखा जाता है, एक अध्याय लिखा जाता है यहाँ पर विकास। जहाँ तक विकास की बात की जाए, तो आज ही जानेंगे इनकी कहानी, इनकी जुबानी और विकास के बारे में। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल को भी, आपको भी, आपके चैनल को भी, आपके दर्शकों को भी। सर, आज नामांकन फाइल हुआ है, उसके उपलक्ष्य में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे अगले मतलब 5 साल में आपने जो किया है वो तो किया ही है, अगर यहाँ से जीतते हैं तो प्रमुख मुद्दा क्या होगा? देखिए, नहीं जीतने का, मुखिया और सरपंच जो वर्तमान में हैं, शाहिना परवीन मेरी पत्नी और मेरे भाई जैसे थे या दोस्त कहिए, शेख गुल मोहम्मद की पत्नी रजिया खातून, इन लोगों ने काम किया है अपने अपने क्षेत्रों में जी। इसलिए यहाँ की जनता ने उनको आशीर्वाद दे दिया है, तो जीतने नहीं जीतने का कहाँ बात है, जनता ने आशीर्वाद दिया है। क्योंकि वो अपने फील्ड में, मेरी पत्नी अपने फील्ड में जी। दोनों लोगों ने, एक ने इंसाफ किया है पंचायत वासियों के साथ, एक ने विकास का काम किया है जी। तो इसलिए जनता पहले ही आशीर्वाद दे दी है। आज नामांकन था, अगर फिर ये लोग रहेंगे तो इस पंचायत में जालिम के जुर्म का खात्मा होगा, इंसाफ होगा, अब विकास की गति को और तेज हम लोग करेंगे, विकास के गाड़ी को और तेजी से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि इस बार हम लोग को जीतने के बाद और विकास करने के बाद, हो सकता है कि फिर कहीं टूटा फूटा कुछ दे तो दिखे तो विकास करना पड़े, और नहीं तो हमको लगता है कि यहाँ से विकास खत्म हो जाएगा, लेकिन ख़त्म हो जाएगा 5 वर्षों में। विकास की बात हो रही है यहाँ पर, एक नया अध्याय लिखा जाता है शेखपुरा पंचायत में। जहाँ तक देखा जाए, आप गलियों घूमकर देख सकते हैं, रोड नाला का काम मुखिया जी ने बहुत इंसाफ ईमानदारी से कराए हैं। सर, आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि हर जुबान पे आपका नाम रहता है यहाँ पर, युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक, युवाओं के लिए क्या प्लान है इस बार? सब लोग मेरे प्रिय हैं, हम उनका प्रिय हैं, चूँकि हम लोग काम करते हैं, बात बनाने में विश्वास नहीं रखते, झूठे वादे नहीं करते, हम लोग काम करते हैं, चौतरफा विकास, इससे भी अलग हटके हम लोग पर्सनल विकास भी करते हैं। अगर ज़रूरत पड़ता है किसी गरीब गुरबा का, शादी विवाह हो या चिकित्सा का मामला हो, पूरे देश में अगर वो कह देता है कि हमको फला हॉस्पिटल में जाना है, तो हम लेके जाते हैं, मेरे लोग लेके जाते हैं, हम लोग फाइनेंशियली भी जिस अवकात में मदद करते हैं। आपको और पूरा जिला को, पूरे बिहार को पता है कि एक ट्रस्ट जखरिया एजुकेशनल एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट सिवान जी, जो इस जिला का अग्रणी ट्रस्ट है, उसके माध्यम से भी बहुत सारा काम हम लोगों ने किया है और आगे भी हम लोग निरंतर करते रहेंगे। कहीं विकास यहाँ का रुकना नहीं है, सौहार्द, शांति, भाईचारा हमेशा बरकरार रहेगा, जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक रखेंगे। लेकिन आप लोगों को शायद पता नहीं है, एक बार मैं चुनाव नहीं लड़ा था 2001 में जी। नहीं लड़ने का, रजिया खातून चुनाव नहीं लड़ी थी जी। उसके बाद यहाँ के जालिमों ने क्या किया कि 2001 में मेरे गांव से लेकर जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ तक बूथों का स्टैंपिंग कर दिया गया, जो भी प्रत्याशी खड़े थे सबको मारा पीटा गया। इस पंचायत के लोग वो दिन नहीं भूलते हैं, इसीलिए आज मुझे प्रेम करते हैं, मुझसे मोहब्बत से मिलते हैं कि आज मेरा डब्लू खान नेता नहीं, एक बेटा है जो हमारे दुख सुख में काम आएगा, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा, 12 बजे रात हो, 2 बजे रात हो, ये बेटा हम लोग आवाज़ लगाएंगे तो ये मेरा बेटा हाजिर होगा। सर, ये आपके कहने की ज़रूरत नहीं है, अगले पंचायत में, जो दूसरे पंचायत में हम लोग जाते हैं, तो आपके पंचायत का नाम एक बार जरूर आता है कि आप शेखपुरा पंचायत से कुछ सीखिए, क्या कहना चाहेंगे सर? वही जालिमों ने हाईलाइट कर दिया, यहाँ के तो शांति प्रिय लोग हैं जी। वही मेरे विरोधियों ने, एक कॉम्युनल है, एक जालिम है, एक जुल्म ढाता है, और एक कॉम्युनल आपको पता होना चाहिए, निजामपुर जी। आज लगभग 3 वर्ष होने जा रहे हैं जी। निजामपुर में मैंने जितना बड़ा कुर्बानी दिया, वहाँ के लोगों ने कुर्बानी दिया जी। जितना बड़ा ये विजय कुशवाहा की पत्नी आज चुनाव लड़ रही है जी। इसने इस इलाके को आग में झोंकने का काम किया था जी। लेकिन समझदार लोगों ने, वहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों ने, इस पंचायत के लोगों ने जी, प्रशासन की मदद से और प्रशासन के लोगों ने भी सराहनीय काम किया कि हाँ, बहुत बड़ा घटना घटने से बचा।
लोग जेल गए, हम लोगों का केस में नाम दिया गया, जबकि प्रशासन ने हम लोग को बुलाया गया था। सिर्फ मेरे लोगों को वोटर लिस्ट उठाकर मेरे लोगों का नाम इन दोनों ने मिलकर दिया, दोनों लोग मिल गए थे, मिलकर सैकड़ों लोग इस पंचायत के बाहर के हिंदू मुसलमान जेल गए जी। लेकिन हम लोगों ने इस पंचायत को, इस इलाका को जलने से बचाया है। ये आग लगाने वाला एक है तो एक जुल्म ढाने वाला है जी। इन लोगों का प्रूफ मेरे पास है, आज सफाई देता है एक जी। 302 का केस है उस पर, जो ये फसाद कराना चाहता है, रात को बात करता है, कम्युनल बात करता है, उसका आता है यहाँ के भोली भाली जनता को बहकाता है। एक है वोट ले लेगा फिर 5 वर्ष तक अपने गेट को बंद कर देगा, किसी तरह उसको वोट चाहिए, चाहे पैसा से मिले, शराब से मिले, झूठ बोलने से मिले, मुझे गाली देने से मिले। लेकिन यहाँ की जनता वो दिन नहीं भूलती है, 2001 आपका वोट हमने छीन कर स्टाम्प लगा दिया, आप ही का नहीं सारे लोगों का, जो भी लोग खड़े थे चुनाव में पीटे गए, पूछ लीजिए आज बलिंदर भगत से, पूछ लीजिए मेरे गांव के सुब्राती अंसारी लोग मुखिया में खड़े थे, दोनों लोगों के साथ क्या हुआ था। सर क्या कारण रहा कि चुनाव नहीं लड़ी थी मैम उस समय? नहीं लड़ी थी, ऐसे देखिए मैं बता देना चाहता हूँ कि सेवा की भावना अगर दिल में हो और जब से जगे कि हमको सेवा करना है, आवाम के साथ मिलजुल के रहना है, आवाम के दुख दर्द में रहना है, जब से दिल में ये बात आया तो मैं तो समाज सेवा में बहुत पहले से था जी। लेकिन किसी कारण मैं नहीं लड़ा था। जब लोगों ने कहा कि नहीं आपको लड़ना है, जब आप नहीं लड़ रहे हैं तो बूथ का स्टाम्पिंग हो जा रहा है जी। फिर मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा और चुनाव लड़ा। जब ये महिला सीट हुआ, आरक्षण में महिला सीट हो गया, तो मेरी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, चुनाव अगले अभी वर्तमान में मुखिया भी हैं, चुनाव लड़ी और जीती, मैं भी मुखिया हुआ था। जितना वोट से मैं जीता हूँ, ईमानदारी के वोट से कोई साबित कर दे, जब मैं मुखिया था कि उतना वोट शायद कोई नहीं जीता जी, स्टाम्पिंग जोड़कर रिकॉर्ड। ईमानदारी का नाम लिया जाए तो इन्होंने जो काम किया यहाँ पर, यहाँ के जनता के लिए काबिले तारीफ है, सराहनीय है। कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर बने रहिए हमारे साथ जी, आप आगे आइए, आप युवा हैं, आगे आइए, आपके लिए जी मुखिया साहब बताए हैं जो युवाओं के लिए भी ये कुछ प्लानिंग की है, इस बार क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इस बार विकास होगा, पहले भी विकास हुआ है हमारे से पूरा पंचायत में, और इस बार भी बहुत पहले से और अच्छा विकास होगा इस बार। जब ये चुनाव नहीं लड़े थे उस समय शायद आप छोटे होंगे, उस समय की स्थिति और इस समय की जो स्थिति है कुछ बताएंगे आप? नहीं, उस समय की स्थिति मुझे पता नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी हमारा पूरा मत इनके साथ है, डब्लू भैया के साथ। देखिए कभी कभी समय मिलता है तो इस पंचायत के बारे में पूरा डिटेल आप लोगों को हम बताएंगे, चूंकि समय नहीं है जी, समय नहीं है। विकास सुनिए, अगर विकास गिनवाना हो, आप जहां से मेरे पंचायत में चल के आए हैं, सुनिए आप, जहां से मेरे पंचायत में आप चल के आए हैं और जहां तक जाएंगे आप पता करें को विकास वह काम किसने किया है। अगर इसमें कहीं त्रुटि होगी या हम गलत बोलते होंगे, आपसे पूरा से आप खाजेपुर में अभी खड़े हैं, निजामपुर भी जाएंगे। सर मैंने देखा है तब नहीं नहीं, आप पता करें यहाँ के लोगों से, बुजुर्गों से जी, जो कम उम्र बच्चे हैं, जैसे इनसे आपने कुछ सवाल किया जी, 2001 में इनका उम्र कितना होगा हाँ, आप समझ लीजिए हाँ। अगर किसी बुजुर्ग से पूछना है कि यहाँ 2001 में क्या होता था, यहाँ के बुजुर्ग बता देंगे जी, जी। हम मैंने ठान लिया है कि हम लेके रहेंगे आज़ादी, गांधी वाली आज़ादी, सुभाष वाली आज़ादी, लेके रहेंगे आज़ादी। सर 30 सेकंड सर, गांधी वाली आज़ादी, सुभाष वाली आज़ादी, विकास के नाम पे वोट दीजिए, 8 अक्टूबर को मतदान कीजिए। आपके साथ खड़े हैं विकास पुरुष से पूरा पंचायत से। सर जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से कोई अपने पंचायत के जनता के लिए कोई पॉजिटिव मैसेज? देखिए कुछ नहीं, हम अपील करेंगे जी, अपील ये करेंगे कि एक सीट पर कहीं कहीं पंच वार्ड, यहाँ तो लगभग लोग निर्विरोध हुआ करते थे पहले जी, लेकिन अभी लोगों को झांसा में दे देकर किसी कैंडिडेट के पास बैठने का जगह नहीं है तो बोल रहा है कि वार्ड में बहुत रुपया होता, तू लड़ जाना हो, ए तू काहे नहीं को लड़त, तू लड़ जा, तो लोग लड़ा रहे हैं। तो मेरा उनसे अपील होगा कि आप लोग शांति प्रिय ढंग से आप लोग एक मैसेज दीजिए दूसरे पंचायत को, जिला वासियों को, जिला के पदाधिकारियों को, शेखपुरा पंचायत में हम लोगों ने वोटिंग पीसफुल किया, शांति प्रिय तरीका से किया, कहीं किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सारे लोग
अपने मत को, अपने मत के जो अधिकार है उसको समझें, मतदान करने 8 तारीख को जरूर जाएं, मतदान करें और ये COVID-19 का जो प्रोटोकॉल है उसको भी ध्यान में रखें और उसका पालन करें। जिंदाबाद। सोच बदलिए, वोट दीजिए 8 अक्टूबर को। हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस टीम के तरफ से निवेदन है, विकास पुरुष को चुनिए शेखपुरा पंचायत से। धन्यवाद।